तो देखो सीन क्या गाइस, यू नो आई नो ऑल दिस पीपल, यू नो आई नो अल्फा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यू नो मेरे को आज भी याद है अल्फा को, मैं तब से जानता हूँ जब उसके मुझसे डबल से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। मैं अल्फा को तब से जानता हूँ जब यू नो उसके आई थिंक 35-40 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे या 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स, आई हैव नो आइडिया, आई थिंक उतने सब्सक्राइबर्स थे, और मेरे 7,000-15,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे बस, उससे ज़्यादा नहीं थे। ओके तो और मैं उस टाइम पे बहुत तगड़ा ग्रो मार रहा था, मैं उस टाइम पे, कि बहुत पुरानी बात है जब मुझे हज़ार हज़ार की वॉचिंग, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच हज़ार की वॉचिंग आया करती थी, और आज से मतलब 4-5 साल पहले अगर देखा जाए तो 5-5 हज़ार की वॉचिंग आना या 4-4 हज़ार की वॉचिंग आना इज़ लाइक वेरी बिग थिंग, यू नो बहुत बड़ी बात थी। तब मैं सोच सकता था कि यार है नो ये मैं क्यों इसको लूँ यार, कौन है ये बंदा, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, कोई कनेक्शन ही नहीं मेरा, कहाँ वो क्लैश रॉयल खेलता है, कहाँ मैं BGMI पबजी खेलता हूँ, यू नो मैं नहीं जानता हूँ इन सब चीज़ों को, तो मैं क्यों इन सब लोगों को लूँ यार, मुझे लेना ही नहीं इनको, मेरे को खेलना ही नहीं इन लोगों के साथ, मैं अपना ग्रो कर रहा हूँ, मैं क्यों इनको फालतू में ग्रो करूँ अपने साथ, राइट, मैं क्यों इनको फालतू में चीज़ें अपनी दूँ, मेरे को करना ही नहीं है ये सब चीज़ें, मैं ये सोच सकता था, बट ना तुम्हारा भाई तो तुम्हें पता ही है कैसा है, तो मैं तब से इन लोगों को जानता हूँ। ये 5 उंगली है ना देखो, जैसे ये सबसे बड़ी उंगली है तो ये अल्फा है, ये BT है, ये एम्परर है, ये आयुष है, यू नो ये चलो ये मैं मुझे पकड़ लो डायनमो यार, ठीक है मैं अंगूठा हूँ, राइट जो भी है, तो यू नो ये सारे लोग जो है कि एक एक पार्टी है मेरा। ओके तो अभी रिसेंटली सीन क्या है कि ये चारों लोग अभी यू नो आप कह सकते हो हम लोग इनको निकाल रहे हैं, आप कह सकते हो कि अभी ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हो इसमें। ओके दिस आर जस्ट द स्टफ, आज का जो डिसीजन था इन लोगों का लीव करने का, हाइड्रा या निकालने का इन लोगों को, ये सारे डिसीजन पे आने से पहले हमने लेजिट 5-5, 6-6 मीटिंग करी है, और 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंग हम लोगों ने करी है, लाइक लेजिट हम लोग 11-11 बजे मीटिंग स्टार्ट करते थे रात में, और सुबह के 4-4 बज जाते थे, सुबह के 3-3 बज जाते थे, मुझे आज भी याद है सुबह के 3-3 बज जाते थे मीटिंग को ले लेके, कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यू नो सारी चीज़ें, यू नो ये सारे लोग अभी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है जिनकी आई मीन अभी ये बोलना थोड़ा गलत है, गलत एज इन थोड़ा सा मैं अलग बोल रहा हूँ, बट इसको गलत मत लेके जाना, बट जो मुझे फील हो रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कैसे फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो आप बहुत मायूस हो जाते हो, सैड हो जाते हो, यू नो तो वैसा काइंड ऑफ मुझे फील हो रहा है, मेरे भी चेहरे पे दिखेगा नहीं वो सब चीज़ें, यू नो मैं हमेशा एक वो स्माइल बना के रखता हूँ। तो आई वाज लाइक चेकिंग आउट ऑल द क्या कहते हैं कमेंट्स, एंड यू नो कुछ लोग मेरे खुद के वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आता ना अपने कैसा फोन पे, तो मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई आपने हाइड्रा तोड़ दिया, आपने हाइड्रा यू नो ये कर दिया, आपने हाइड्रा वो कर दिया, भाई मैं इतना ही बोलना चाहूँगा गाइस, अगर मेरे को हाइड्रा तोड़ना होता ना तो मैं कभी जिंदगी में हाइड्रा ही नहीं बनाता यार, मैं कभी किसी को भी साथ में लेके ही नहीं चलता, मैं कभी ये ऋषभ जो आज मेरे बाजू में बैठा है ना मैं इसको कभी जानता ही नहीं आज, यू नो आई ऑलवेज थॉट ऑफ यू नो गिविंग अ चांस टू पीपल, ऑलवेज थॉट ऑफ गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू द डिजर्विंग वंस, ऑलवेज थॉट ऑफ यू नो जितना मैंने कमाया है या जितना मैंने प्यार कमाया लोगों का, जितना मैंने शोहरत कमाई है, यू नो इज्जत कमाई है कम्युनिटी में या जो भी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोग भी वो चीज़ कमाएँ, यू नो कुछ करे लाइफ में। वॉट अबाउट द बूट कैम्प, क्लियर अबाउट इट? सो या बूट कैम्प का सीन है कि हमने बूट कैम्प बंद कर दिया है, हमने बूट कैम्प बहुत पहले ही बंद कर दिया था, इट्स बीन 5-6 महीने, 5-6 महीने से हम लोगों ने बूट कैम्प बंद कर दिया था। द रीज़न बिहाइंड शटिंग डाउन द बूट कैम्प इज सारा भार मुझ पर आ गया था यार, लाइक यू नो सारा भार मुझ पर आ गया था टू बी ऑनेस्ट, लाइक बहुत से क्रिएटर्स काम कर रहे थे, बहुत से क्रिएटर्स काम नहीं कर रहे थे, सब अपना यू नो आलसी फैला रहे थे, बहुत से क्रिएटर्स यू नो दोपहर के 3-3, 4-4 बजे सो के उठते थे, तो यू नो हम वो चीज़ ले नहीं सकते थे यार, आई कुडंट टेक ऑल दोज थिंग्स, एंड मैंने वो चीज़ मैं ले नहीं सकता था, प्लस यू नो सारा एक्सपेंसेस ये सारी चीज़ें यू नो हम मेरे पे आ गई थी, प्लस यू नो द बूट कैम्प एक्सपेंस वॉज वेरी ह्यूज यार, आपको पता ये बूट कैम्प कितना बड़ा था हमारा, लाइक इट वॉज फकिंग 8-9 BHK का विला, बहुत बड़ा विला था वो यार, बहुत बड़ा विला था वो। मैं कोई किसी को हेट नहीं करता हूँ, कोई मुझे हेट नहीं करता है, अगर कोई मुझे हेट करता है तो करने दो, मेरा काम ये नहीं कि उनको मैं हेट करूँ, मेरा काम है कि भाई मैं उनको अपने आप से कैसे प्यार करने लगाऊँ, ये मेरा काम है। Crazy King Legend, the Dynamo Trident sign, but khalas, we all love you no matter what happens brother. Dragon ka chehra, # love your dino dil. Love you too mere bhai. भाई तुम लोग मेरे को रुला दोगे तो हमें रोना नहीं है आज, ओके? ग्रुपिज्म आप बीटी के बर्थडे पर जाके दिखा रहे हो भाई, इसके बर्थडे पे हम 3 साल से जा रहे हैं, इसके हर एक बर्थडे पर हम लोग, मैं पुणे में रहता हूँ वो मुंबई में रहता है, चलो मैं तुमको ना बर्थडे की याद दिला देता हूँ, फर्स्ट टाइम जब अपन मिले वो भी बर्थडे पे मिले थे इसके, बीटी के बर्थडे पे मिले थे, मैं आयरन मिले फर्स्ट गेम के, बेस्ट मीटअप है वो, ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं है, दैट वाज अ प्योर मीटअप, हम लोग पहली बार अपना एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, सामने सामने बैठ रहे हैं, दैट वाज अ
जो बीटी का बर्थडे है वो प्योर थिंग बन चुकी थी अभी हमारे लिए, और बीटी हम सब इतने क्लोज हैं एक दूसरे के। देखो बर्थडे के दिन भी हम लोग इसी लाइनअप में बैठे थे, आज भी हम लोग इसी लाइनअप में बैठे हैं। देयर इज समथिंग वेरी प्योर बिटवीन अस जो कि फ्रेंडशिप बोलते हैं, ना कि ग्रुपिज्म बोलते हैं उसे, समझ रहे हो? फ्रेंडशिप, एंड वो फ्रेंडशिप बनी है। ऐसा हमने एक दूसरे से बात नहीं किया कि हम ऐसी फ्रेंडशिप रखेंगे, वो ओवर द टाइम बन चुकी है, वैसा बॉन्ड क्रिएट हुआ है कि भाई जबरदस्ती बनाया नहीं है कि चलो हम दिखा दें, हमारी दोस्ती नहीं होती गाइस, निभा के ही होती है। ऑलराइट, तो ग्रुपिज्म वाला जो पॉइंट था गाइस, तो जैसा जानते हो जब BGMI पे गवर्नमेंट की तरफ से एक वो पड़ा, बैन पड़ा या सस्पेंशन पड़ा, तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जहां हम न्यू गेम्स ट्राई करना चाहते थे। तो जो हमारा हाइड्रा ग्रुप था वहां पे हमने काफी बार डाला कि ये गेम खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं, एंड दोज पीपल हु वर जेन्युइनली इंटरेस्टेड और जो लोग आए खेलने दे वर नॉट इनफ, और हम चाहते थे हम और लोग ऐड करें, तो इसलिए वी मेड अ डिफरेंट ग्रुप और वहां पे हमने और लोग जो कि नॉन हाइड्रा मेंबर्स हैं उनको ऐड करके वी स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स टुगेदर। तो ये रीजन था एक नए ग्रुप बनने का। इट वॉज नॉट कि हम उन बाकी लोगों में से किसी को इन्वाइट नहीं करना चाहते, इनफैक्ट हमने बहुत बार जी उससे पूछोगे तो उसने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि एंड में उसने छोड़ दिया कि भाई नहीं हो सकता, और फिर हम बाकी लोगों के साथ गेम्स खेलने लगे। दैट वाज अ ग्रुप, और उसको ग्रुपिज्म का टाइटल दिया कि भाई तुम लोग साथ में हो, एटलीस्ट हम लोग साथ में आके वी आर प्लेइंग समथिंग, वी आर शोइंग सम यूनिटी और कुछ कॉन्टेंट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो उस फैक्ट को एक ग्रुपिज्म का टैग दे दिया, तो That was wrong actually. Yep. So, मुझे बस इतना ही कहना है कि वो जो ग्रुपिज्म वाली चीज थी जो अभी भी लोग बोले जा रहे हैं, that is completely bullshit.